नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में मैं एक सैमसंग के ईयरफोन का टियर डाउन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है सैमसंग का ईयरफोन और इस वीडियो एपिसोड में मैं करूँगा इसका टियर डाउन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इसका कनेक्टर दिखा देता हूँ। हालांकि आप देख सकते हो कि कनेक्टर टूट चुका है और फिलहाल इसमें जो ग्राउंड वाला पार्ट होता है वो फिलहाल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तो फिलहाल आप देखते हैं कि इसके कनेक्टर किस टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, ये कनेक्टर इस टाइप से हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो कि बेसिकली एक है आपका ये सेंटर पॉइंट, उसके बाद सेकेंड पॉइंट, ये है थर्ड पॉइंट और ये है फोर्थ पॉइंट। तो दोस्तों, इसमें ग्राउंड है, ये आपका थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पर आपका ग्राउंड कनेक्शन है, ऊपर वाला आपका माइक की इनपुट है और फिलहाल ये आपके दो स्टूडियो वाले पोर्शंस हैं। तो दोस्तों, ये है इसका पिन आउट। हालांकि दोस्तों, कई फ़ोन्स हैं जिसमें ये आगे वाले दोनों तो सेम होते हैं, फिलहाल ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे कि कई फ़ोन्स हैं LG के फ़ोन्स हैं तो उसमें ये चीज़ें इंटरचेंज होती हैं। तो दोस्तों, ये है इस हेडफोन का लेआउट और फिलहाल देख सकते हैं कि इस हेडफोन में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम रॉकर बटन भी है, वॉल्यूम डाउन एंड वॉल्यूम अप, और साथ में कॉल हैंडलिंग बटन भी है और एक छोटा सा माइक्रोफोन है यहाँ पर, उसका इनपुट देख सकते हो। और दोस्तों, देख सकते हो कि दो ईयर प्लग्स हैं। और फिलहाल दोस्तों, देखते हैं कि ये बनता कैसे है। हालांकि इसका सर्किट डायग्राम मैं आपको दिखा दूंगा, समझा दूंगा, और फिलहाल एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों, इसको खोलने के लिए मुझे एक तरह से चाकू की जरूरत पड़ेगी। जोर ना लगाएं दोस्तों, क्योंकि जोर लगाओगे तो सब कुछ टूट फूट जाएगा। तो फिलहाल चाकू से ही कटिंग करते चले जाओ और ये डिपेंड करेगा कि आपका जो ये प्लास्टिक कितना पुराना है, मतलब हेडफोन या ईयरफोन कितने पुराने हैं। जितने पुराने होंगे दोस्तों, उतना प्लास्टिक कमज़ोर होगा और उतना ज़्यादा जोर लगाओगे तो टूट जाएगा। तो दोस्तों, ये है इसका इंटरनल्स। तो दोस्तों, देख सकते हो कि इस पर कुछ नहीं है, बस स्विचेस हैं और वो प्लास्टिक के बने हुए हैं, निकाल सकते हो इसको बाहर। तो दोस्तों, ये कुछ इस टाइप से होते हैं। तो फिलहाल इसको साइड में रख लेते हैं और फिलहाल देखते हैं क्या सर्किटरी है। ये रहा दोस्तों सर्किटरी, फिजिकल बटन्स हैं। और दोस्तों, ये कुछ इस टाइप से काम करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पर पहले मैं पूरे PCB को बाहर निकाल लेता हूँ। पीछे के साइड को आप दोस्तों देख सकते हो कि एक माइक्रोफोन पड़ा हुआ है और उसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने मैच लगा रखी है। पीछे के साइड को देख सकते हो कि रजिस्टर और कैपेसिटर का नेटवर्क है और उसके साथ कुछ नहीं है। और दोस्तों, ये है इसकी इनपुट वाली पोर्ट और ये दो ऊपर को चले गए आपके रिसीवर स्पीकर की साइड को, मतलब कि इस प्लग की साइड को। और फिलहाल दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पर दो वायरें आ रखी हैं और दोनों की दोनों आपकी एक तरह से ट्विस्टेड कॉपर वाली वायर हैं। बाहर की तरफ को आप ग्राउंड देख जाएगा तो ग्राउंड दोस्तों देख सकते हैं कि बाहर की तरफ को मैश कर रखा है और फिलहाल ये ग्राउंड यहाँ पर शोल्डर कर रखा है दोनों वायर्स का। और दोनों के जो सेंटर टर्मिनल है, एक तो यहाँ शोल्डर कर रखा है, एक यहाँ पर शोल्डर कर रखा है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि एक तो गया माइक्रोफोन का है और दोस्तों दूसरा है आपका ये ऊपर वाले जो स्पीकर का। और दोस्तों, जो दूसरे स्पीकर का डायरेक्ट इस टी पॉइंट से चला गया इस वाले के ऊपर। तो दोस्तों, ये कुछ इस टाइप से होता है। और फिलहाल अगर देखा जाए ये बटन कैसे वर्क करता है, ग्राउंड और माइक्रोफोन के इनपुट के बीच में कितने का रजिस्टर लगा हुआ है, तो दोस्तों उस पर डिपेंड करता है। अगर ये रजिस्टर की वैल्यू कुछ ओम्स होती है तो फिलहाल वो डिटेक्ट हो जाता है कि आपने ये वाला बटन प्रेस कर रखा है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो इस दोनों के बीच में ओम्स की रीडिंग चेंज हो जाएगी, जब आप इसको प्रेस करोगे तो ओम्स की रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका फ़ोन डिटेक्ट करता है कि कौन सा बटन तीनों में से प्रेस हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इन दो टर्मिनल्स पर रेजिस्टेंस को मेजर करूँ और फिलहाल ये है 20K की रेंज पर, तो 20K पर देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर है करीबन 8 किलो ओम का रेजिस्टेंस। तो और दोस्तों, अगर जैसे मैं इस कॉल हैंडलिंग बटन को प्रेस करता हूँ तो ये रेजिस्टेंस गिर के करीबन 0.04 किलो ओम्स हो जाता है, मतलब करीबन 40 ओम्स हैं दोस्तों ये। अगर मैं वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करता हूँ तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस गिर के पहुँच जाता है 620 ओम्स। और दोस्तों, जैसे मैं वॉल्यूम अप को प्रेस करता हूँ तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस पहुँच जाता है 260। दोस्तों, ये है तरीका जिस तरीके से आपका फ़ोन डिटेक्ट करता है कि इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मतलब कि आपका कुछ ही नहीं प्रेस है, और जब रेजिस्टेंस इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जीरो हो जाएगा तो मतलब कि आपने कॉल हैंडलिंग बटन को प्रेस किया है। दोनों के बीच में रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो मतलब कि आपका वॉल्यूम डाउन है, अगर रेजिस्टेंस उससे कम होगा वॉल्यूम अप की को प्रेस किया। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका फ़ोन डिटेक्ट करता है कि कौन सा बटन आप प्रेस कर रहे हो। इस फ़ोन की सर्किटरी में आप खुद देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस लगे हुए, इन रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में आ जाएगा जब आप इस बटन को प्रेस करोगे। तो दोस्तों, ये है इसका लेआउट। तो दोस्तों, एक बार मैं इसको स्पीकर्स भी दिखा देता हूँ। तो इसके लिए भी सेम वही तरीका अपनाना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये है अंदर की साइड से, और दोस्तों देख सकते कि यहाँ पर भी आपका कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का नेटवर्क लगा हुआ, हालांकि रेजिस्टेंस तो कोई नहीं है, कैपेसिटर जरूरी है। दोस्तों देख सकते कि कुछ इस टाइप की लेआउट है, और ये है आपका दोस्तों बीच में एक तरह से सिलिकन की उन्होंने एडहेसिव टेप लगा रखी है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ, और फिलहाल इसको भी आगे मैं टेयर कर सकता हूँ अगर ये इजाज़त देता है। तो दोस्तों ये रहा सिंगल यूनिट। तो दोस्तों ये रही स्पीकर की डिज़ाइन, और फिलहाल अगर इसको भी टेयर डाउन करना चाहूँ तो शायद ये मैं सोचता हूँ कि अगर खुल सके तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बाहर जो ब्लैक ब्लैक कलर की आपको दिख रही दोस्तों ये मैग्नेट है, और फिलहाल देख सकते हैं कि बीच में एक तरीके से उन्होंने इस पूरे ड्रम को मेटेलिक पोर्शन को यहाँ पर सीज कर रखा था, और फिलहाल खोला जाए तो दोस्तों ये कॉयल है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपलिस्ट सा डिज़ाइन है, कॉयल आपकी यहाँ पर है, देख सकते कॉयल यहाँ पर है, और साथ में देख सकते हैं कि ये ऐसे वाइब्रेट होती है, और जैसे आप इस कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, इनिशियली जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा कॉयल के अंदर तो फिलहाल ये कॉयल स्थिर रहती है, और जैसे आप इसमें करंट फ्लो करते हो मतलब जैसे आवाज़ इसके अंदर आती है तो कॉयल ऊपर नीचे होती है और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। दोस्तों इस ये वाइब्रेशन क्या होती है दोस्तों, बिल्कुल सिमिलर वही वाइब्रेशन होती है जो कि इसमें ऑडियो आ रही है, और फिलहाल ये वाइब्रेशन हवा के जो यहाँ पर वॉल्यूम होता है उसको डिस्प्लेस करती है, बिल्कुल सेम उसी फ्रिक्वेंसी से उसी लहजे से जिस लहजे से इसमें सिग्नल आ रहे हैं। और दोस्तों इस तरीके से ये आवाज़ प्रोड्यूस करता है, और वो आवाज़ आपके ईयर में डायरेक्ट इन ईयर पल्स के थ्रू पहुँच जाती है। तो दोस्तों ये है कुछ इस टाइप की वर्किंग, और दोस्तों देखो तो बहुत सिंपलेस्ट डिज़ाइन है, और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर टियर डाउन करने का मेरा मेन मकसद है कि आपको दिखा सकूँ कि ये आप कैसे रिपेयर करें, और फिलहाल कौन सा टर्मिनल इसमें शॉर्ट हुआ तो उसको देखने का एक तरीका है। ग्राउंड दोस्तों पहुँच रही है, और दोस्तों साथ में ग्राउंड शॉर्ट भी हो रही है, आपके मेन सिग्नल लाइन से शॉर्ट हो रही है, और देखा जाए तो स्पीकर भी नहीं पहुंच रहे। तो दोस्तों इसका मतलब कि ये बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, हालांकि दिखने में लग रहा है, और इसका दोस्तों एक आसान तरीका है ठीक करने का, आप इसको लीजिए और इसको काट दीजिए, और फिलहाल छील लीजिए इसको, और दोस्तों आपको ये तीन वायर्स दिख जाएंगी। तो दोस्तों ये मैंने इसको सेपरेशन कर दिया है, देख सकते हो कि मैंने ग्राउंड वाले सारे टर्मिनल को एक साथ रोड़ के रख दिया, और फिलहाल देख सकते हो ग्रीन ब्लैक और रेड इन तीनों को भी आपस में अलग कर दिया था। दोस्तों अब मैं इस हेडफोन को इस द्वारा इस्तेमाल करने लायक बना सकता हूँ अगर मेरे पास एक 3.5 mm का जैक हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कोशिश कर लेता हूँ इसको रिपेयर करने की, क्योंकि इस टाइप का हेडफोन सॉकेट या इस तरह का एक जैक आपको ढूंढना मुश्किल है जिसमें कि आपके 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स हो। मार्केट में जो मिलते हैं दोस्तों उसमें सिर्फ आपके 1, 2 और 3 ही पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, ये बीच का कट नहीं होता, बिल्कुल रेगुलर मिल जाएगा, और उसको आप बोलते हैं इस तरह से स्टीरियो जैक 3.5 mm वाला। तो दोस्तों इस टाइप का जैक मिलना नामुमकिन है, और फिलहाल अगर ये जैक नहीं मिलेगा तो मैं इस हेडफोन को रिपेयर भी नहीं कर पाऊंगा। और दोस्तों जो मेरी इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री में सिर्फ वही सी टाइप के जैसे कि आपको मार्केट में मिलते हैं वही है, और फिलहाल इस टाइप का जैक नहीं है। तो दोस्तों कोशिश करते हैं कि मैं इसको रिपेयर कर लूं, और फिलहाल एक ट्राई तो मारना यहाँ पर हक बनता है मेरा भी। तो दोस्तों जैसे डॉक्टर सीजरिन लगाते हैं तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये जो कट लगा हुआ है दोस्तों दिख रहे हो दोस्तों, मैं इसी से इसको काट रहा हूँ। और दोस्तों हाथ का तो मुझे यहाँ पर खास ध्यान रखना पड़ेगा, हालांकि मुझे यहाँ पर कोई आइडिया नहीं कि सैमसंग के इस जैक में क्या होगा। फिलहाल मैं इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे रिपेयर कर चुका हूँ, और फिलहाल देख सकते कि प्लास्टिक उतना अच्छा रहा नहीं, हालांकि यहाँ पर तो रबड़ है, और फिलहाल देखा जाए तो रबड़ उतनी अच्छी रही नहीं, और फिलहाल देख सकते कि काफ़ी तगड़ी ग्लू से चिपका रखा है, और यहाँ से भी मैं कट लगा देता हूँ दोस्तों ताकि ज़्यादा बेंडिंग या प्रेसिंग ना हो। और बाद में दोस्तों मैं इसको एल्फी से चिपका दूंगा जब अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो। कनेक्टर तो दोस्तों यहाँ से निकल चुके हैं, अगर मैं कोशिश करूँ इनको यहाँ पर शोल्डर कर दूँ आपस में तो काम चल जाएगा, तो फिलहाल दोस्तों वो उतना इफ़ेक्टिव मेथड नहीं होगा, अगर इनको मैं आपस में शोल्डर कर दूँ तो दोस्तों काम चल जाएगा, पर फिलहाल इतना इफ़ेक्टिव मेथड नहीं होगा। दोस्तों अगर इसको इफ़ेक्टिव बनाना है तो मुझे इस पूरी चीज़ को पिघलाना पड़ेगा। दोस्तों ये हो चुका है सेपरेट, और दोस्तों ये हैं इसकी फालतू की चीज़ें। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस वाली वायर को इस वाले पोर्ट के थ्रू अंदर डाल देता हूँ, और उसके लिए मुझे पहले तो रास्ता क्लियर करना पड़ेगा। तो
दोस्तों ये रास्ता क्लियर है, फिलहाल ज़रूरत नहीं है मुझे क्योंकि मैंने इसको पूरा ही उधेड़ दिया है, तो मैं डायरेक्ट इस पर काम कर सकता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे, और दोस्तों ये वायर्स हैं इनके जो टिप्स हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर जलाना पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली हाई टेम्परेचर शोल्डरिंग आयरन से इसकी जो टिप है इनको वर्कआउट करना पड़ेगा। दोस्तों हाई टेम्परेचर शोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसके ऊपर जो थोड़ा सा एक इंसुलेटिंग लेयर लगी हुई है जिसको पहले आपको गर्म करके जलाना पड़ेगा, उसी के बाद इस पर कनेक्शन बन पाएगा। तो दोस्तों आइए अब आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा किसका है वायर। तो दोस्तों यह है माइक्रोफोन, ये दोनों स्पीकर्स हैं। तो दोस्तों आइए अब कर देते हैं शोल्डरिंग इस कनेक्टर के ऊपर। तो दोस्तों पहले कनेक्टर को मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करनी है। दूसरे नंबर वाला दोस्तों वहाँ पर लगेगी ग्राउंड, तो दूसरा नंबर दोस्तों है ये वाला। दोस्तों ये ग्राउंड तो हो गया कनेक्टेड। अब दोस्तों साथ ही में माइक्रोफोन वाला भी कनेक्ट कर देते हैं। माइक्रोफोन में दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ माइक्रोफोन लगेगा सबसे आगे वाले में। तो दोस्तों ये हो चुका है, और दोस्तों अब मैं लगाने जा रहा हूँ स्पीकर्स की। तो दोस्तों ये कनेक्टर्स लग चुके हैं, और फिलहाल एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये चल रहा है, दोस्तों ये भी चल रहा है। अब दोस्तों प्ले एंड पॉज भी चल रहा है, प्ले पॉज चल रहा है, वॉल्यूम डाउन चल रहा है, वॉल्यूम अप भी चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ करके कि अब ये हेडफोन हो चुके हैं रिपेयर, और फिलहाल अब मैं करने जा रहा हूँ इसको बंद। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी ग्लू गन का इस्तेमाल करूँगा और छोटी सी लेयर लगा देता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर। और दोस्तों इसको मैं इसके अंदर फिट कर देता हूँ बस। दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको परफेक्ट बनाऊंगा। हालांकि दोस्तों ये चिपकेगा नहीं इससे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक एडहेसिव इस्तेमाल कर रहा हूँ, रबर बेस्ड एडहेसिव है दोस्तों ये। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आप धागा देख रहे हो, मैं धागे से इसको बांधूंगा। तो दोस्तों ये हेडफोन सॉकेट वाला काम तो हो चुका है रेडी। अब दोस्तों चलते हैं इस साइड वाली पोर्शन पर, फिलहाल इसको तो मैं कर देता हूँ बंद। तो दोस्तों पहले तो इन बटन्स को लगा देते हैं, और दोस्तों अब लगा देते हैं इसको, देख सकते हो कि ये फिट हो गया। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं ग्लू लगा देता हूँ, और साथ ही में दोस्तों मैं देख के किस साइड क्या जाएगा उसको मैं फिट कर देता हूँ। दोस्तों इसको भी बांध लेता हूँ ताकि ग्लू सेट हो जाए। अब दोस्तों लगाते हैं इन स्पीकर्स को अंदर। तो दोस्तों ये तो हो गया रेडी, और दोस्तों इसका है थोड़ा सा दिक्कत, दोस्तों ये भी हो गया रेडी। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं, ये आवाज़ आ रही है दोस्तों इसमें से, दोस्तों इसमें से आवाज़ आ रही है, देख सकते हो कि दोस्तों ये बटन काम कर रहे हैं, और साथ में वॉल्यूम अब भी कम कर रहा है और वॉल्यूम डाउन भी काम कर रहा था। दोस्तों आपने देखा कि कैसे मैंने इस ईयरफोन को, सैमसंग के ईयरफोन को जो कि नहीं वर्क कर रहा था उसको वर्केबल बना दिया था। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा प्रोफाइल अच्छा नहीं रहा, तो फिलहाल देख सकते कि हर चीज़ मैंने यहाँ पर रिपेयर की है इस कनेक्टर से लेके, हालांकि इसको भी खोल के दिखा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और दोस्तों यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोस्तों मैंने सब कुछ आपको खोल के दिखा दिया कि क्या होता है एक ईयरफोन के अंदर, और कैसे आप इस ईयरफोन को यहाँ पर रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों ये रहा इस सैमसंग के ईयरफोन का टियर डाउन और रिपेयरिंग। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी जान पाए कि कैसे एक ईयरफोन को टियर करें और कैसे इस ईयरफोन को सुधारें। और दोस्तों मैंने बहुत सिंपलेस्ट तरीका अपनाया है इस ईयरफोन को सुधारने का। तो दोस्तों साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मेरी आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल रिपेयर वीडियो, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फोन रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।